उत्तर भारत के फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चल रहे 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम के तीसरे दिन और दिन के पहले सत्र में रीजनल मीडिया एंड नेशनल पॉलिटिक्स विषय पर चर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, कैपाया रोड्रिग गोंजालेस, एम्बेसडर ऑफ वेनेजुएला, अतुल अग्रवाल, फाउंडर हिंदी खबर, अजय झा, सीनियर एंकर महुआ TV, रहीसुद्दीन इंतरिहान, सीनियर जर्नलिस्ट AIR, अनूप बोस, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट एंड फिल्म मेकर प्रोफेसर डॉक्टर PK राजपूत मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवाह ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, रीजनल मीडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमारे क्षेत्र की खबर नेशनल मीडिया नहीं दिखाती, वो खबर हमें रीजनल मीडिया से पता चलती है। रीजनल मीडिया अपने क्षेत्र की खबर सही तथ्यों और जानकारी के साथ दिखाता है, जो जनता के लिए बहुत जरूरी है। वहां मौजूदा अतिथिगण ने रीजनल मीडिया पर अपने अपने विचारों को साझा किया और वैलेंटाइंस डे पर पोस्टर रिलीज किया। इसी दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों को उनके देश के क्विजिन भी चखाए गए। साथ ही अतिथियों ने स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स की प्रशंसा की। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में कैपाया रोड्रिग गोंजालेस, एम्बेसडर ऑफ वेनेजुएला मौजूद रहे, जिसमें एयर एंडो इनला मेमोरिया प्लोइंग इंटो मेमोरी फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। इसी दौरान संदीप मारवाह द्वारा कैपाया रोड्रिग गोंजालेस को फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन देकर सम्मानित किया गया। सभी अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवाह द्वारा फेस्टिवल मोमेंट देकर सम्मानित किया गया। 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के तीसरे दिन और आखिरी दिन के अंदर ये अभी हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम कर चुके हैं। सुबह ही हम लोगों ने वेनेजुएला की फिल्म को यहाँ पर चढ़ाया, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखने के लिए फिर से एक बार देश भर और दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमने यहाँ पर वेनेजुएला का भोजन भी यहाँ सर्व किया और उससे जो अम्बेसडर साहब यहाँ आई हुई थी वो बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो जब आर्ट और कल्चर की बात की जाती है तो साथ में खानों की बात भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। उसी के बाद हमारा एक सेमिनार था जो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है और देश के बड़े बड़े नामी गरामी जर्नलिस्ट इस पूरी सभा में भाग ले रहे थे। हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से चर्चा को यहाँ पर चलाया और उसका आनंद सभी लोगों ने लिया। आज का दिन फिर से बहुत महान है, क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है, आज बसंत पंचमी है और सरस्वती की वंदना आज होती है, और इसके साथ साथ आज हम लोगों ने 1 मिनट का मौन भी रखा, क्योंकि जिन फौजियों को हमने पुलवामा के इस हादसे में खोया था उन्हें हमने आज फिर से याद किया है। आने वाले थोड़ी देर में बहुत सारे और कार्यक्रम होने जा रहे हैं। हम लोग अब थोड़ी देर में यहाँ नुक्कड़ नाटक देखेंगे, उसके बाद शाम को एक ज़बरदस्त फैशन शो का आयोजन किया गया है, और उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है अवार्ड्स का, क्योंकि हमें ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि हम लोगों ने महात्मा गांधी के नाम पर एक जर्नलिस्टिक अवार्ड की रचना रची थी जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ जर्नलिज्म, और उन अवार्ड को आज यहाँ से दिया जाएगा। उसके साथ ही ग्लोबल अवार्ड एक्सीलेंस अवार्ड फॉर जर्नलिज्म, कुछ ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है जिन लोगों ने अपने इस जर्नलिज्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए हैं। ये कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और मैं समझता हूँ कि आप सभी को फिर से एक बार निवेदन। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और AFT में आना हमेशा से बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ मैं खुद को। संदीप मारवा सर के साथ आना, उनके साथ बैठना, उनको सुनना, उनको देखना, ये वाकई बहुत अच्छा और सुखद रहता है, और मैं मौके ढूंढता हूँ कि कभी आपके AFT में कोई प्रोग्राम हो और मैं वहाँ जाऊँ और बच्चों से बात करूँ, मारवा सर को सुनूँ। यहाँ की जो फीलिंग है इस इंस्टीट्यूट की वो बहुत डिफरेंट है, बहुत पॉजिटिव है। सर, आपने रीजनल चैनल को लेकर और इस नेशनल चैनल को लेकर कहा है अंदर इवेंट में, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने बहुत कुछ बाहर अंदर कहा है और बाहर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि
जो नेशनल मीडिया है ना वो एक एक परसेप्शन बनाता है, देश में एक नैरेटिव बनाता है। सरकार उस नैरेटिव के आधार पे लोग क्या चाहते हैं उनकी पॉलिसी होती है, लेकिन जो सरकार की पॉलिसी है वो जमीन तक कैसे पहुंची, कहां तक उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्रियान्वयन कैसा हुआ, उसका रिजल्ट्स क्या है, वो रीजनल मीडिया तय करता है, वो दिखाता है, छोटी छोटी खबरों को दिखाता है। तो इसलिए एक बैलेंस नेशनल मीडिया और रीजनल मीडिया में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फॉर्चुनेटली ये बैलेंस अभी हमको नज़र आता है हमारे समाज में, इसको और अच्छा और मजबूत करने की ज़रूरत है। सर, आज ये प्रोग्राम जर्नलिस्ट के लिए, तो जो अभी जर्नलिस्ट बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, बडिंग जर्नलिस्ट है, उनके लिए आपने क्या कहा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आप सभी लोगों से, जो भी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, आप सब लोगों के से मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल एकदम हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि आप लोग जो पढ़ते हैं ना जिस भी इंस्टीट्यूट में, वहां पढ़िए, चीजें सीखिए, लेकिन जिस भी भाषा में, जिस भी माध्यम में आप पत्रकारिता करना चाहते हैं उसको जरूर अच्छे से सीखिए। अगर आप हिंदी में जाना चाहते हैं तो आपको हिंदी अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश में जाना चाहते हैं इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। आजकल हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो ऐसी हो गई है कि हम ना तो आधी, ना तो हम हिंदी बोल पाते हैं ना हम इंग्लिश बोल पाते हैं, हम आधा हिंदी बोलते हैं आधा इंग्लिश बोलते हैं, हमको समझ नहीं आता है। हाँ, एक नेताजी हैं जिन्होंने एक बार मंच से कहा 35, राहुल गांधी जी 35, मुझे समझ नहीं आया 35 के, ना तो 35 है ना तो 36 है। तो मेरा मानना है कि आप लोग 35 कभी ना बोलें, आप लोग या तो 35 बोलें या तो 36 बोलें, और उसके लिए करना ये है कि आप लोगों को जो भी भाषा में आप पढ़ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, पहला। और जितने भी मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी में टाइपिंग जरूर सीखिए, ये मेरा मूल मंत्र आप सबके लिए रहेगा। अगर आप लोग हिंदी की टाइपिंग अच्छे से करना चाहते हैं, करना जानते हैं यूनिकोड फॉन्ट में, तो यकीन मानिए कि आपको अच्छी सैलरी में पहली जॉब तुरंत मिल जाएगी। हिंदी लिखना, अच्छा लिखना, शुद्ध लिखना, ये आप लोगों के लिए एक दरवाजा है तमाम राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और सारे चैनलों में आने का, तो ये काम जरूर करिएगा। और नेशनल मीडिया के बीच में क्या समझते हैं, क्या डिफरेंस समझते हैं, और लोगों को किस तरीके से उन दोनों का डिफरेंस समझना चाहिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं तो महासागर को बनाने के लिए नदियों का बड़ा योगदान है, बिना नदियों के महासागर नहीं बन सकता। इसी तरह से हम नोएडा के अंदर हैं अभी, और ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, नेशनल मीडिया बिना रीजनल मीडिया के अधूरा है। तो भारत के अंदर 228 राज्य हैं, और हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग तरह की समस्या है, वहाँ से खबरों का आना, उसको खबर बनना या आगे उस पर समस्या का समाधान होना, वो तमाम जरूरी चीज़ें जो है रीजनल मीडिया आप तक लेके जाता है। तो नेशनल मुद्दे बनने से पहले रीजनल मीडिया में आना वो बहुत जरूरी है, दोनों में ये बड़ा डिफरेंस है। सर, आप एस्पायरिंग जर्नलिस्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तीन से चार चीज बोलना चाहूंगा जो इस फील्ड में आ रहे हैं या कर रहे हैं। सबसे पहले तो खुद को पहचानिए, ठीक है, भेड़ चाल को बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। मैं बहुत लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मतलब कि आप खुद से, मतलब किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं आपको, आप खुद में, आप मतलब कि जो आपकी काबिलियत है, हो सकता है आप अच्छे से आपके आर्टिस्ट बन सकते हैं, हो सकता है अच्छे एंकर बन सकते हैं, और आपको सब कुछ तो नहीं बन सकते आप, तो आपका जो एक मैसेज है, जो आप एक मूल मंत्र है।